पर ये सिंप्लीफिकेशन है ग्रुप के स्ट्रक्चर का, समझ में आया। उसके बियॉन्ड टाटा स्टील के लिए वाकई पॉजिटिव है, रैशनल क्या है इस सारी एंटिटीज को अमेलगमेट करने का? वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव होना, वो सब सिंप्लीफिकेशन, वो अच्छा लगता है सुनने में। टाटा स्टील के लिए फायदे की खबर है कि नहीं? हाँ, जरूर फायदे की खबर है, क्योंकि ये सारे जो बिजनेसेस है वो हमारी कोर बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है। जैसे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, टिनप्लेट कंपनी है, या टाटा मेटालिक्स है, ये सारी हमारी कोर बिजनेसेस के पार्ट है, हिस्सा है। काफी पुरानी कंपनी है, टिनप्लेट 100 साल की पुरानी कंपनी है, और जैसी अर्बनाइजेशन हो रहा है, टिनप्लेट कंजम्पशन बढ़ेंगे, हम ऑलरेडी उसकी एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी कंपनीज हैं, ये टाटा स्टील के साथ मर्ज होने के लिए ये सारी सारी ईपीएस सिक्रेटिव हो गए। और जैसे आप बोले थे कि सिंप्लीफिकेशन तो जरूर है, कंसोलिडेशन, सिनर्जीज रिलीज करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होते हैं, और ये सारे बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए ये कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके कौशिक सर, एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे अगर आप देखें प्रोसेस से जो कॉस्ट सेविंग होगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, उसका क्वांटम कितना होगा, और जो इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग डेट पोजीशंस हैं वो एग्जैक्टली किस रेंज में होगी, उसमें कोई तब्दीली आएगी? आपकी दूसरी क्वेश्चन पहले, ये डेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंसोलिडेटेड होता है टाटा स्टील के साथ, तो डेट नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट सिचुएशन विल इंप्रूव, क्योंकि जितने भी कॉस्ट है, जो डुप्लीकेशन है, और जो कॉस्ट सिचुएशन ऑन प्रोक्योरमेंट, ऑन ऑपरेशनल सिनर्जीज, ये सब कम होएंगे, तो द कंसोलिडेटेड एंटिटी शुड, दैट्स व्हाई आई सेड कि वो ईपीएस सेक्रेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों अगर आप जुड़ दें तो इसके लिए मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा एट टाटा स्टील लेवल गोइंग फॉरवर्ड। और इसके अलावा और भी अदर सिनर्जीज हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट, तो ये सब में देर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और नेट नेट ये इट शुड बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव ऑन एन एनपीवी बेसिस। तो भैया ये विलय जो मेगा मर्जर जो हो रहा है ईपीएस एक्रेटिव होगा, यानी कि टाटा स्टील का जो मौजूदा ईपीएस है इस विलय की प्रक्रिया पूरी होने पर ईपीएस और बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। ये कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, आप किस टाइमलाइन पे कौशिक सर वर्क कर रहे हो? देखिए, ये काफी रेगुलेटेड प्रोसेस है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, उसके बाद एनसीएलटी में जाते हैं, तो टिपिकली ये हम कोशिश करते हैं कि एवरी स्टेज में हम एफिशिएंटली उसको डील करें, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को साथ लेके चले, क्योंकि उनको भी एक जो ये कंपनीज या की सब्सिडियरी कंपनीज के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी साथ लेंगे, और वो एक बड़ा ग्रोथ इंजन के हिस्सा होंगे, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये जैसे जैसे एनसीएलटी अप्रूव करते हैं, कोर्ट कन्वीन मीटिंग होते हैं, तो हम लोग जाएंगे, तो जैसे हमने पास्ट में देखे हैं भूषण की तरफ, बेस्ट एफर्ट बेसिस में ये 12-15 महीना लेते हैं। कौशिक सर, कुछ दिन पहले टाटा स्टील ने एक बढ़िया स्प्लिट अनाउंस करा, 10-1 का 10 कर दिया था। तब हम लोग उस डील के उस कॉर्पोरेट एक्शन के रैशनल समझने की कोशिश कर रहे थे, 1000-1200 का स्टॉक है, क्यों तोड़ के 100 रुपये पे या सब 100 रुपीज पे लाने की तैयारी कर रहे हैं? ये तभी से, ये बेसिकली इसी मर्जर प्रोसेस के लिए वो अनाउंस किया गया था कॉर्पोरेट एक्शन, इसके ईज के नहीं लिए? नहीं वो अलग, नहीं, वो अलग थे, वो उस टाइम पे इट वाज टू फोकस ऑन स्प्लिट, बेसिकली मोर लिक्विडिटी देता है, मोर स्टॉक्स बिकम्स मोर लिक्विड, अफोर्डेबल एटसेट्रा, क्योंकि उसके साथ इसके कोई लिंकेज नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज जानना चाहूंगा कौशिक सर, कि लास्ट 6 महीने स्पेशली आफ्टर दिस यूक्रेन रशिया आई मीन वॉर, प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल रहे हैं, मेटल प्राइसेस, और एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस रहा है आई मीन प्राइसेस में, आई मीन पिछले 6 महीने में। आप पिछले साल भर में स्पेशली आपके यूरोपियन ऑपरेशंस कैसे रहे, और उस वोलेटिलिटी को आपने कैसे झेला है? वहाँ पे अगर आप देखें एक मेजर सत्ता परिवर्तन भी हुआ है इस पूरे ड्यूरेशन में, स्पेशली आपके यूरोपियन ऑपरेशंस जो हैं
उसमें किस तरीके का एक्सपीरियंस लिया आपने पिछले 6 महीने में या फिर 10 महीने में? नहीं तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की हिस्सा होता है, क्योंकि ये वॉलिटिलिटी तो स्टील इंडस्ट्री और कमोडिटी इंडस्ट्रीज में बहुत प्रिवेलेंट है, और ये वॉर के तहत यूरोप में खास करके एनर्जी कॉस्ट पे इंक्रीज हुआ है, और वही जिसके कारण इन्फ्लेशन हो रहे हैं, जिसके कारण कॉस्ट बेस बढ़ रहे हैं, और ये सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं इक्वली इन यूरोप, और उसी को मैनेज कर रहे हैं हम लोग मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग अदर कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट टेक आउट दूसरी और जगह में करना पड़ता है, तो वही हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन the energy cost is certainly something which is significant in any part of Europe which is dependent on gas. कौशिक, तो मेरी तरफ से जाता थे लास्ट सवाल, ये सब कुछ जोड़ रहे हो आप, amalgamation हो रहा है, मेगा मर्जर हो रहा है, ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद तोड़ने का मन क्या? कई लोग अटकलें लगाते हैं एक्चुअली इंडिया और यूरोप बिजनेसेस अलग अलग, ऐसा होगा क्या? ऐसा कोई तो अभी कोई सोच में नहीं है लेकिन ये जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कंपनी कंसोलिडेट होता है और बिजनेस मोर फोकस्ड होता है, तो इसीलिए फिलहाल यही करते हैं। कॉस्ट सेविंग्स होंगी अमेलगमेशन के चलते, प्लस बढ़िया सिनर्जिस्टिक और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये मेगा मर्जर टाटा स्टील के लिए ईपीएस एक्रेटिव होगा, ईपीएस में एड ऑन करता हुआ नजर आएगा, ना कि डायल्यूटिव। शर्मला जोशी जुड़ चुकी हैं। मैं शर्मला मैम आता हूं, टाटा स्टील पे आपका व्यू लेता हूं, लेकिन कैसा लगा ये मेगा मर्जर मैम आपको? जैसे कि अभी वो समझा रहे थे, आई थिंक टाटा स्टील के लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत पॉजिटिव मूव रहेगा, बिकॉज काफ़ी सिनर्जीज उनकी एक साथ, यू नो लॉट ऑफ ड्यूप्लीकेशन मस्ट हैव बीन हैपनिंग अक्रॉस कंपनीज, वो सब चीज़ें कट हो जाएंगी, एंड इवन फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचेंगे ना, तो एक ही कंपनी होगी जिसके पास आप बहुत सारे सोल्यूशंस के लिए जा सकेंगे। बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, वॉट आई थिंक वॉट माई टेक ऑन दिस होल थिंग इज दैट, अगर आप इफ यू रिमेंबर जब मिस्टर चंद्रा टुक ओवर, एंड आई एम अ बिग मिस्टर चंद्रा फैन, तो जब उन्होंने टेक ओवर किया था तब उनकी एक ये स्टेटस स्ट्रैटेजी थी कि दे आर गोइंग टू गो फॉर स्केल, और उन्होंने वो आई थिंक यू नो ही हैज डेमोंस्ट्रेटेड इट इन मेनी वेज, जिस तरह से टाटा कंज्यूमर में टाटा केमिकल का वो हिस्सा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डाल दिया, तो वो एक यू नो इट बिकेम अ स्केलेबल सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी गोइंग अहेड, तो वो उनकी कोशिश है ना वो हमें दिख रही है। इवन इन टाटा स्टील आई थिंक यू नो नाउ यू आर रियली प्लेइंग वेरी बिग, क्योंकि आपने ये जो कंपनीज थी, टाटा स्टील ऑफकोर्स वॉज द बिगेस्ट, लेकिन इनमें से जो 3-4 नाम है वो अपने में काफी वैसे बड़े थे, तो वो एक बड़ा स्केल अब उनका बन जाएगा, यू नो इवन इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन स्टील एज अ सेक्टर वो एक बड़ा प्रेजेंस हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू थिंक बिकॉज वी आर इन द मार्केट इज कि ये और कहाँ पर सिनर्जी वो ढूंढ सकते हैं। टू माई माइंड द ओनली ऑब्वियस स्पेस दैट आई कैन थिंक ऑफ जस्ट नाउ इज आईटी, क्योंकि उनकी वहां पर भी 3-4 अलग अलग लिस्टेड कंपनीज है, तो आप टीसीएस को भी अलग छोड़े ना, तो आई थिंक देर कुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग देयर। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी नीड टू लुक एट दिस एंड यू नो रियली एनालाइज दिस सिचुएशन गोइंग अहेड।